जब अकेली अर्थव्यवस्था मोतीलाल नेहरू के पास थी 196 करोड़ रुपए, क्या मायने रखते थे उस जमाने में, और वो संपत्ति क्या मायने रखती थी? क्या कोई जूता निकाल के मारना चाहूंगा मोदी जी के उन भक्तों के ऊपर और मोदी जी के उन नेताओं के ऊपर जिनको शायद राहुल गांधी के खानदान के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले जो भी लोग हैं वो कम से कम अपनी माँ के जेवरों की बात कर लें, जिन पर गाहे बेगाहे भक्तों के नेता पर आरोप लगते रहते हैं कि इन्होंने माँ के जेवर चुरा करके बेच दिए थे। खैर, इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि राहुल गांधी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं जो कम से कम हिंदुस्तान को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगंडा फैला हुआ है पूरे देश में, गोदी मीडिया भी इसका साथ देता है, सबका साथ देता है, लेकिन एक सच्ची नीयत का और सच्चे हिंदुस्तान के संविधान को जोड़ने की बात नहीं करता। सही बात तो यह है कि हिंदुस्तान बिक चुका है, हिंदुस्तान को खरीद लिया है उद्योगपतियों ने। आज इसी बात को लेकर के रिपोर्ट है राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। अब राहुल गांधी अगर कुछ सही करें तो गलत, और कुछ गलत करें तो वो तो गलत है ही। राहुल गांधी के बयान लीटर के हिसाब से डाले जाते हैं, और अमित शाह के बयान लक्ष्मण और भरत के बीच थोड़े से बढ़ जाते हैं। उन पर कोई मीडिया सवाल नहीं उठाता, सवाल उठाने भी नहीं चाहिए। लेकिन आज बात करेंगे कि जिस टी शर्ट पर बवाल मचा है राहुल गांधी जी की, उस टी शर्ट पर बात कर ली जाए। टी शर्ट पर बवाल मच गया, जानी उस ब्रांड की खासियत जिसके ठीक ठाक कपड़ों की शुरुआत 40,000 रुपये से होती है। जी हाँ, 40,000 रुपये की एक टी शर्ट पहन रखी थी राहुल गांधी ने। उसको लेकर के कुछ बीजेपी के नेताओं ने जो था बड़ी आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि 15 लाख का सूट चाय वाला पहनता है, उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस टी शर्ट को लेकर के बवाल मचा हुआ है, उसके ब्रांड के बारे में जानकर और चौंक जाएंगे। दुनिया का सबसे मशहूर पुराना महंगा ब्रांड है, इसके कपड़े दुनिया की महान हस्तियां पहनती रहती हैं, इसका विंटेज चेक वाले कपड़े की डिमांड काफ़ी है। इस ब्रांड की कहानी क्या है? जो टी शर्ट राहुल गांधी ने पहनी थी, और जिस टी शर्ट को जाने अनजाने राहुल गांधी ने स्पॉन्सर कर दिया, एक मॉडल बन गए, ब्रांड मॉडल बन गए। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी के उन बेवकूफ नेताओं की वजह से जिन्होंने इस पर सवाल उठाए। लेकिन ब्रांडेड कपड़ों का जब कोई मॉडलिंग करने उतरता है तो सारी कंपनियां फायदा उठाने लगती हैं। फायदा तो ब्रिटिश कंपनी को हो रहा है। 1856 में, मतलब आजादी के एक साल पहले, नागरिक थॉमस बर्बरी ने बसिंग स्टॉक में सिर्फ 21 साल की उम्र में बर्बरी नाम के ब्रांड की स्थापना की थी, यानी कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से एक साल पहले। वो मैं बोल रहा था आपको, थॉमस बर्बरी का सिद्धांत यह है कि कपड़ों को लोगों को ब्रिटिश मौसम से बचाने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। इस ब्रांड के कपड़े डिजाइन होते और फिर पेटेंट करा लिए जाते हैं। पहले इन्होंने मौसम के अनुसार ही कपड़े बनाए, इसके बाद डिजाइन किए हुए कपड़े विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों द्वारा प्रयोग किए गए थे। 1955 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने बर्बरी को वेदर प्रूफ के एक रूप में एक रॉयल वारंट प्रदान किया। ब्रिटेन से निर्यात किए जाने वाले 5 कोटों में से एक बर्बरी होता था। राहुल गांधी की इस टी शर्ट की खासियत जान लेते हैं कि 40,000 की टी शर्ट की क्या खासियतें हैं। बर्बरी भारत में डायरेक्ट स्टोर के जरिए व्यापार नहीं करती है, थर्ड पार्टी के जरिए व्यापार करती है। बर्बरी की टी शर्ट ऐसे तो भारत में 20,000 से शुरू हो जाती है, लेकिन ठीक ठाक टी शर्ट की कीमत 40,000 से ऊपर है। अब ये राहुल गांधी की टी शर्ट क्या थी क्या नहीं थी, राहुल की औकात है कि नहीं है, 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे राहुल गांधी, लेकिन मैं आज जूता निकाल के मारना चाहूँगा मोदी जी के उन भक्तों के ऊपर और मोदी जी के उन नेताओं के ऊपर जिनको शायद राहुल गांधी के खानदान के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें खुल करके आ जाती हैं। जिस तरह का बवाल राहुल गांधी की टी शर्ट पर मच रहा है, उससे बड़ा बवाल मच गया है
चाय वाले के 15 लाख के सूट पर, जिस पर बहुत सारे बयान आए, बहुत सारे बयान आपने सुने होंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल उठता है जब राहुल गांधी की पृष्ठभूमि में चीजों को खंगाला जाता है, सबूत खंगाले जाते हैं। सबूत जब खंगाले जाते हैं तो ये मिलते हैं इंडिया एवेकेंट नाम की एक ट्विटर आईडी से, जो ट्वीट करती है, नेहरू जी ने आज़ादी के बाद भारत निर्माण में अपनी 98% निजी संपत्ति यानी कि $196 करोड़ आज के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था उस टाइम $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। अब 196 करोड़ रुपए दान दे दिए हंसते हंसते भारत के निर्माण में, और जबकि दूसरी तरफ सावरकर ₹60 महीने की पेंशन अंग्रेजों के यहां कुत्तों की तरह पा रहा था। वो कुत्ता जिसको सावरकर वीर कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बात यही नहीं रुकती है, एक खुलासा और होता है कि नेहरू जी ने आजादी के बाद भारत निर्माण में 98% 196 करोड़ रुपए दिए ही दिए, लेकिन इनके परदादा या जो भी थे राहुल गांधी के, वो $30,000 सालाना टैक्स भरते थे। लगा लीजिए, इतना तो अदानी अंबानी भी नहीं भरता होगा। राहुल गांधी पर उंगली उठाने से पहले इन बेवकूफों को सोचना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि राहुल गांधी ने दक्षिण से जैसे ही यात्रा शुरू की है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जुलाब लग गया है, क्योंकि जहां इनकी आशा थी कि उत्तर प्रदेश में ये सारे कांड करा लेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लेकिन तमिलनाडु में तो जब राहुल गांधी यात्रा करते हैं तो तमिल औरतें उनसे बोलती हैं एक तमिलियन लड़की से शादी कर लो, तो राहुल शर्मा जाते हैं। शर्माना भी स्वाभाविक है, जिन्होंने देश की सेवा का एक संकल्प लिया हो राहुल गांधी ने, और जहां राहुल गांधी की शादी को एक मुद्दा बनाया जाता है, वहीं संघ के प्रचारकों की शादी ना होना देश प्रेम बताया जाता है, तो वाकई में ये एक दोगली राजनीति लगती है। कहा जाता है कि प्रचारकों को बोला जाता है कि वो शादी नहीं करेंगे, तो कांग्रेस के प्रचारकों को शादी करने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या मोदी मीडिया इस पर बात नहीं करता? राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, और राहुल गांधी चाहें टी शर्ट पहन सकते हैं, उनकी आमदनी है 1.5-2 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है महीने की, पहन सकते हैं। और इतना ज़्यादा जब दान कर दिया था और 2% अपने पास रखा था, 196 करोड़ और 2% अपने पास रखा था उस टाइम का, 19 × 38 करोड़ रुपया यानी कि $38 करोड़, तो गांधी के परिवार में तो होंगे। मोतीलाल नेहरू टैक्स भी देते थे, सब देते थे, और शर्ट्स पर सवाल उठाना वाकई में बेईमानी लगा, एकदम निराधार लगा। चाय वाला क्या लेके आया था? केवल अदानी अंबानी को लेकर के आया था। अदानी अंबानी की भी अर्थव्यवस्था इतनी नहीं है, जब अकेली अर्थव्यवस्था मोतीलाल नेहरू के पास थी 196 करोड़ रुपए क्या मायने रखते थे उस जमाने में, और वो संपत्ति क्या मायने रखती थी? क्या कोई गोदी मीडिया का आदमी या कोई इकोनॉमिस्ट भारतीय जनता पार्टी का बता सकता है कि कितने मिलियन डॉलर्स उस समय आज़ादी के समय देश को बनाने के लिए इस हिंदुस्तान की जनता को दे दिए? शायद नहीं बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के 15 लाख के सूट पर भी कोई बात नहीं करेगा, चश्मे पर भी कोई बात नहीं करेगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।